हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 1 व्हिच इज डिस्क ड्राइव। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। अ डिस्क ड्राइव इज अ रैंडमली एड्रेसेबल एंड रीराइटेबल स्टोरेज डिवाइस। डिस्क ड्राइव क्विकली एड्रेसेबल, यानी कि तुरंत ये एड्रेस देने वाली, रैंडमली दैट मीन्स क्विकली, जल्दी से ये स्टोरेज जहाँ पे हो रहा है उसका एड्रेस देती है। एंड रीराइटेबल स्टोरेज डिवाइस, और ये दोबारा स्टोरेज लिखने वाली डिवाइस होती है। यानी कि अगर कोई भी स्टोरेज हो रहा है और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो ये तुरंत ही क्विकली उसमें चेंजेस करती है और रीराइट करती है और उसे स्टोर करती है। इट इज़ अ फिज़िकल ड्राइव इन अ कंप्यूटर, और ये एक कंप्यूटर में ये फिज़िकल ड्राइव होती है। फिज़िकल का मतलब ये बाहर से ही हमें दिखाई देती है, यानी कि फिज़िकल का दैट मीन्स फिज़िकल पार्ट्स कौन से होते हैं? हार्डवेयर, हमारे जो हार्डवेयर होते हैं वो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव भी हमारी क्या है? फिज़िकल पार्ट ही है कंप्यूटर में। कैपेबल ऑफ होल्डिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है उसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी, इसलिए मैं हार्ड डिस्क बोल रही हूँ बार बार। तो स्टूडेंट्स, कैपेबल ऑफ होल्डिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, तो डिस्क ड्राइव जो हमारी होती है जिसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं, वो होल्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये होल्ड करती है, यानी कि स्टोर करके रखती है। रिट्रीविंग यानी कि ये दोबारा हमें उसी इन्फॉर्मेशन को देती है। दैट मींस अगर हम अपने कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे हैं तो ये उस डाटा को स्टोर करके रखती है, और अगर हमने कंप्यूटर ऑफ कर दिया है और हम फिर से कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये डिस्क ड्राइव ही हमें उस डाटा या इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिट्रीव कराती है, हमें दोबारा प्रोवाइड करवा देती है कंप्यूटर पे। अ डिस्क ड्राइव रिफर्स टू अ मैग्नेटिक डिस्क इनसाइड ऑफ अ ड्राइव और डिस्केट। स्टूडेंट्स, डिस्क क्या होती है हमारी? वो डिस्क ड्राइव एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। मैग्नेटिक एक क्या होता है हमारा, धातु होता है, या क्या उसको बोल सकते हैं, केमिकल बोल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो उसे उसमें ही स्टोरेज होता है हमारा, इनसाइड ऑफ अ ड्राइव और डिस्केट। और ये कहाँ पे होता है? डिस्क ड्राइव के अंदर होता है, या और ड्राइव को हम डिस्केट भी बोल सकते हैं। डिस्क ड्राइव एंड डिस्क ड्राइव should not be used interchangeably. Disk drive और disk drive ये दोनों ही interchangeably, यानी कि एक दूसरे के से change होकर इनको use नहीं किया जाना चाहिए, okay? अब ये आपका तो हो गया disk drive। अब हम disk और disk के बारे में difference, DISK disk और DISC डिस्क के बारे में डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्लियर।